मेघालय में आरक्षण नीति एक जटिल और विवादित मुद्दा रहा है। राज्य में आदिवासी आबादी का एक लंबा इतिहास है और आरक्षण नीति इन समुदायों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में उचित अवसर देने के लिए बनाई गई है। मेघालय में वर्तमान आरक्षण नीति 40-40-20 का फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि 40% सरकारी नौकरियां खासी और जनजातीय जनजातियों के लिए आरक्षित, 40% गारो जनजाति के लिए आरक्षित है और 20 अन्य सभी समुदायों के लिए खुली है। इस प्रणाली की निष्पक्षता के बारे में बहुत बहस है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि आदिवासी समुदायों को एक बरत देने आवश्यक है क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से वंचित रही है। अन्य लोग तर्क देते हैं कि ये एक समुदाय जैसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभाव करता है। विभिन्न क्षेत्र से भी मांग उठाई गई, जैसे खासी छात्र संघ ने खासी जनजातीय समुदायों के लिए 50% और गारू समुदायों के लिए 40% आरक्षण का सुझाव दिया, जो अलग अलग आरक्षण की बजाय कुल पदों का 90% आरक्षण है। दूसरी ओर गारो छात्र संघ की केंद्रीय कार्यकारी समिति ने मेघालय की राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ समिति से मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने का आग्रह किया। ये अपील गारो समुदायों की निरंतर हाशिए पर होने की चिंताओं की बात किए गए है, जो इतना महत्वपूर्ण है कि मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 52 साल की अंतराल के बाद नौकरी में रोस्टर प्रणाली को बहाल करने का आदेश दिया। जून 2024 में थामा उ रंगली जुकी नामक एक स्थानीय संगठन ने राज्य के नौकरी आरक्षण नीति की साक्ष्य आधारित समीक्षा की मांग की। उनका तर्क है कि वर्तमान नीति डेटा पर आधारित नहीं और ये मेघालय की सभी समुदायों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखती है। मेघालय सरकार ने आरक्षण नीति समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। उम्मीद है कि समिति आने वाले महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मेघालय में आरक्षण को लेकर बहस कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की ओर से मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं। मैं मन्ना संगमा आपकी अपनी लठवा न्यूज से ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।